आज बात करने वाले हैं सैड यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको हम विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं। एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय सिंह। अगर आपको भी स्पेसिफिकली सर्दियों के मौसम में, विंटर के सीजन में डिप्रेशन के लक्षण आते हैं, विंटर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सैड यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में, तो ये स्पेसिफिक टाइप का डिप्रेशन होता है। इसको डायग्नोस तब करते हैं जब किसी पर्सन को कंटिन्यूसली 2 या 3 साल से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं विंटर के मौसम में। जनरली ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, ऑटम सीजन में, और जैसे जैसे विंटर्स अप्रोच करते हैं, ये लक्षण जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। अगर कंटिन्यूसली आपको 2-3 सालों से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको डायग्नोस करेंगे एज विंटर डिप्रेशन। इसका एक अपोजिट भी होता है, समर डिप्रेशन, जहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं स्प्रिंग सीजन में यानी कि फेब मार्च में, और जैसे जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, इसको समर डिप्रेशन कहते हैं। और इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विंटर डिप्रेशन के बारे में, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। सो आज हम इसके लक्षण जानेंगे और साथ ही साथ इसके लिए top 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊँगी, जो बहुत यूजफुल होती हैं इस प्रॉब्लम को, एक्यूट जो लक्षण होते हैं उसको भी ठीक करने में, साथ ही साथ इसकी टेंडेंसी को भी ख़त्म करने में। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्यों डेवलप होता है। तो क्यों डेवलप होता है, इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक थियोरी है जिसके अकॉर्डिंग विंटर सीजन में क्या होता है, सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है, सन कम निकलता है, हमें सूरज की रोशनी कम मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो हाइपोथैलमस होता है, ब्रेन का जो एक पार्ट होता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बैलेंस को गड़बड़ होने की वजह से जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा हाइपोथैलेमस अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता। इस वजह से कुछ लोगों में विंटर डिप्रेशन डेवलप होता है। रिस्क फैक्टर भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चांसेस हाई रहते हैं, जैसे कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किसी भी मेंटल डिजीज की, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस तरह की अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको खुद पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम रह चुकी है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होने के। सो अगर बात करें इसके लक्षणों की, तो लक्षणों में आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे, आपको एंजाइटी रहेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, होपलेसनेस रहेगी, वर्थलेसनेस रहेगी, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, धड़कन बढ़ जाए, घबराहट हो, लो मूड बना रहे, इरिटेबिलिटी रहे, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएं, तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींद जो है या तो बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, भूख जो है बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी, बहुत भूख लगेगी, या फिर बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाएगी, या फिर वज़न जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, या वज़न बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ। ये सारे हो गए इसके लक्षण। अब बात करते हैं top 3 होम्योपैथिक दवाइयों की, जो आपको एक्यूट जो आपके लक्षण आ रहे होंगे उस पर तो अच्छा काम करेंगे ही करेंगी। जब आपके एक्यूट फेज जो है ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेकर, जब हम आपके प्रॉपर केस टेकिंग के बाद अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपकी जो टेंडेंसी होती है हर विंटर में, हर सर्दियों के सीज़न में डिप्रेशन डेवलप की, ये भी अच्छी हो जाती है, ये भी ठीक हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से ठीक होती है। अभी जो मैं 3 दवाएं आपको बता रही हूँ, तीनों दवा आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बस एक दवा लेनी है जिस दवा के साथ आपके लक्षण सबसे ज़्यादा मैच करते हैं। अगर आपको इस दवाइयों की लिस्ट में से आपके जो लक्षण नहीं मैच हो रहे, तो आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल कंसल्टेशन के लिए, लिंक जो है बायो में आपको मिल जाएगा मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स का। सबसे पहली हमारी दवा है नाइट्रम्यूर। नाइट्रम्यूर बहुत ही इफेक्टिव दवा होती है। नाइट्रम्यूर को आप 30 पावर से स्टार्ट कीजिए,
जैसे जैसे आपको आराम मिले आप 200 कर सकते हैं। नाइट्रोमिड बहुत इफेक्टिव दवा होती है, जहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा लो मूड बना रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है, आपको अकेला रहना पसंद रहता है, आपको रोना बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब भी कोई आपको कंसोल करता है, आपको चुप कराने की ट्राई करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत बढ़ जाती है। इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आपको कुछ करने का मन ना करे, आपको कंसंट्रेशन ना लगे किसी चीज़ में, और आप पास्ट की चीज़ों को बार बार सोचते रहें, इस तरह के अगर आपके लक्षण प्रेजेंट रहते हैं कि आपका मूड अच्छा नहीं है, चिड़चिड़े हो गए, घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, हमेशा आपका मूड जो है लो बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, तो इस तरह की समस्या में नाइट्रोम्योर बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी हमारी दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा टीयरफुल रहते हैं, हमेशा उनको बहुत ज़्यादा रोना आता रहता है, अकेले रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, रोते रहेंगे, आंखों में आंसू भरे ही रहेंगे जब देखो जब, और इसके साथ साथ उनकी नींद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है, ना नींद आती है अच्छी, ना खाना खाने का मन करता है, हमेशा ऐसा कुछ सोचते रहते हैं कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। तो इस तरह के अगर आपके लक्षण हैं तो इसमें आप इग्नेशिया 30 पावर में यूज कीजिए, धीरे धीरे करके आप 200 पावर भी जा सकते हैं, जैसे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाए उस तरीके से। तो ये दवा बहुत अच्छी काम करती है जो विंटर डिप्रेशन है उसके लक्षणों में। तीसरी हमारी दवा है कैलिफोस। कैलिफोस वहाँ पे काम करती है जहाँ पे आपको विंटर डिप्रेशन के जो लक्षण हैं वो सबसे सीवियर ये होते हैं कि आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस, फटीग महसूस होता है। मेंटली भी आप बहुत थकान महसूस करते हैं और फिजिकली भी, ना आप फिजिकली कुछ करना चाहते हैं ना आप मेंटली कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ फिजिकल वर्क करने जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं, कोई पावर ही नहीं। ऐसे ही कुछ भी आपको मेंटल कुछ काम करना हो, कुछ पढ़ाई करें अगर स्टूडेंट हैं, या फिर कुछ भी कैलकुलेशन करें, तो आप इतने में ही इतना ज़्यादा थक जाएंगे कि आपको कुछ और करने का मन ही नहीं करेगा। इसके अलावा आपकी नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको अकेले रहने का मन करेगा, आपको रोना आएगा, आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहेगा, किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। इस तरह के अगर आपके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में आप कैलिफोस 6x पावर में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो ये तीन होम्योपैथिक दवाइयाँ मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो आपके स्पेसिफिक जो आपके लक्षण आ रहे हैं या फिर जो आपका कॉज होता है, जो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, उसके बेस पर दिया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी विंटर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव होते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है। कि वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।